क्या आपके फास्टैग कार्ड में आपकी गाड़ी का चेचिस नंबर अभी तक रजिस्टर्ड है या फिर गलत नंबर प्लेट डला हुआ है? क्योंकि आपने देखा होगा यूपीआई से रिचार्ज करते टाइम ये अक्सर दिखाता है कि भाई आपके द्वारा डाला गया यूपीआई एड्रेस गलत है, क्योंकि सही नंबर प्लेट नहीं होता वो। तो कैसे उसको बदलें? और इस मेथड के थ्रू आप ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर भी बदल सकते हैं जो फास्टैग कार्ड में पहले से रजिस्टर्ड है, क्योंकि ऑनलाइन यूपीआई रिचार्ज करने के लिए ये सारी चीज़ें अपडेट होना ही चाहिए। सो कैसे आप खुद ही सिंपली 5 मिनट में घर में बैठे बैठे ये सारी जानकारियां ऑनलाइन जाके अपडेट कर सकते हैं, लेट्स स्टार्टेड। तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? मैं हूं कि तो आज फैक्चुअल फंडा में बात करते हैं कि भाई आप कैसे अपने फास्टैग कार्ड में से चेचिस नंबर को हटा के अपनी गाड़ी का सही नंबर प्लेट डाल सकते हैं। तो भाई इसके लिए सबसे पहले आपको 2-3 चीज़ें याद रखनी कि आप इसको ऑफलाइन भी कर सकते हैं और खुद जाके ऑनलाइन भी करवा सकते हैं। ऑफलाइन करवाने के लिए आपको आपके बैंक में विजिट करना पड़ेगा, जिसके बाद बैंक कर देगा। दूसरा ये है कि आप अपने जो डीलर से जहाँ से आपने गाड़ी परचेज़ की थी, आप उनके फास्टैग डिपार्टमेंट को अपडेट कर दें कि भाई ये चीज़ें अभी भी चेचिस नंबर दिखाता है, जिसके कारण आपको दिक्कत हो रही है, तो वो अपडेट कर देंगे उस चीज़ को। और थर्ड ये कि आप नहीं चाहते इतनी सारी पचड़ में पड़ना, तो खुद ही 5 मिनट में आप ये सारी चीज़ों को अपडेट कर सकते हैं ऑनलाइन जाके। इसके लिए आपको 2-3 चीज़ें अपडेट रखनी है कि भाई आपका फास्टैग कार्ड ब्लैकलिस्ट नहीं होना चाहिए और उसमें मिनिमम बैलेंस होना चाहिए, और आपके पास आपके बैंक का ऑनलाइन यूज़र आईडी पासवर्ड रजिस्टर्ड होना चाहिए। अगर आपने अभी तक ऑनलाइन यूज़र आईडी पासवर्ड क्रिएट नहीं किया है तो आप आई बटन में क्लिक करके इस वीडियो को देख सकते हैं, इसमें पूरी मेथड डिस्क्राइब की गई है। अभी हम ICICI बैंक की प्रोसेस देखेंगे और आपको बता दूं सारे बैंक की लगभग प्रोसीजर सेम है, कुछ ऑप्शंस बदल जाएंगे। तो आपको डिस्क्रिप्शन में दी हुई लिंक को पेस्ट करना है ब्राउजर में। जैसे ही वो ओपन होगी तो आपको यहाँ पे 2 ऑप्शन दिखाई देंगे, इंडिविजुअल लॉगिन और कॉर्पोरेट लॉगिन। आपको यहाँ पे इंडिविजुअल लॉगिन में सिलेक्ट करना है। अब आपको नेक्स्ट ऑप्शन में यहाँ पे यूज़र आईडी और फास्टैग में रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर से लॉगिन करने का ऑप्शन दे रहा है। हम यहाँ पे मोबाइल नंबर से लॉगिन करेंगे, जिसके बाद OTP आएगा, आपको एंटर करना है आपके रजिस्टर्ड मोबाइल का। अब यहाँ पे लॉगिन पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आपको एक चीज़ नोट करनी कि मेरा फास्टैग बैलेंस 30 रुपये है तो भी ये कार्ड ब्लैकलिस्टेड नहीं है। इसका रीज़न ये है कि ये गाड़ी अभी तक किसी भी टोल को क्रॉस नहीं की है। जैसे ही क्रॉस करेगी ये ब्लैकलिस्टेड हो जाएगा। अभी आप यहाँ पे देख सकते हैं गाड़ी का चेचिस नंबर रजिस्टर्ड है, जिसको हमको बदलना है। इसके लिए आपको जो इसके साइड में ऑप्शन दिख रहा है व्यू टैग अकाउंट समरी, इसमें क्लिक करना है। नेक्स्ट विंडो ओपन हो जाएगी, यहाँ पे आपको व्हीकल में टैप करना है। जैसे आप व्हीकल में टैप करेंगे 2 ऑप्शन दिख जाएंगे, आपको यहाँ पे मैनेज व्हीकल में क्लिक करना है। इस मैनेज व्हीकल वाले विंडो में आपको रजिस्टर्ड व्हीकल्स की आपकी सारी डिटेल्स यहाँ देखने को मिल जाएगी। आपको यहाँ पे राइट स्क्रॉल करना है, जिसके बाद आपको 2 ऑप्शंस यानी 2 छोटे छोटे आइकन दिखाई देंगे, जिसमें एडिट और व्यू हिस्ट्री का ऑप्शन दिख जाएगा। आपको यहाँ पे एडिट में क्लिक करना है। अब आपको यहाँ पे इस विंडो में आपकी करंट डिटेल देखने को मिल जाएगी। अब देखिए यहाँ पे लाइसेंस प्लेट नंबर की जगह पे चेचिस नंबर रजिस्टर्ड है, इसको हमको बदलना है। आपको यहाँ पे जो RC नंबर इशू हुआ है आप उसको यहाँ पे डाल दीजिए। गाड़ी की कंपनी आपको चूज़ करना है, यहाँ पे मेक मॉडल्स वगैरह चूज़ करना है, कलर वगैरह चूज़ करना है। अब एक चीज़ नोट करना कि अगर आपके पास नेक्सा की गाड़ी है तो आपको यहाँ पे मारुति सुजुकी क्लिक करना है, ओनली मारुति सुजुकी। उसके बाद ही नेक्स्ट ऑप्शन में आपको आपकी गाड़ी CIS, बलेनो, इग्निस वगैरह के ऑप्शन दिखेंगे, अदरवाइज आपको वैगनार वगैरह के ऑप्शन दिखेंगे। कलर वेरियंट में आप मैचिंग कलर डाल सकते हैं, नेक्सा ब्लू इस टाइप से कलर आपको यहाँ नहीं देखने को मिलेंगे। और यहाँ पे आप अपनी ईमेल आईडी अगर अभी तक आपने रजिस्टर्ड नहीं की है तो आप उसको डाल के रजिस्टर्ड कर सकते हैं, या फिर आप बदलना चाहें तो बदल भी सकते हैं। मोबाइल नंबर भी आप बदल सकते हैं, पहले से रजिस्टर्ड मोबाइल में आप यहाँ पे जो अभी रजिस्टर्ड करना है उसको डाल सकते हैं। यहाँ पे आपको फिर से आपका RC का नंबर डालना है। और अब एक चीज़ नोट करना कि यहाँ पे अब आपको RC की फ़ोटो भी डालना है। इसके लिए आपको दोनों आगे और पीछे RC की फ़ोटो खींच के JPG या PDF फॉर्मेट में उसको सेव करना है। अब दोनों इमेजेस को एक ही पेज में मर्ज करके आप इसको सेव रखें, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। अब ये जब सारी डिटेल्स आप फिल कर देंगे और आप अपनी RC अपलोड कर देंगे, उसके बाद आपको यहाँ पे अपडेट ऑप्शन में क्लिक करना है। जैसे ही आप अपडेट ऑप्शन में क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको नेक्स्ट ऑप्शन को थोड़ा ध्यान से पढ़ना है। यहाँ पे ये पूछ रहा है कि पहले से आपकी RC अपलोडेड है, क्या आप फिर से अपलोड करना चाहते हैं? तो आपको येस ही क्लिक करना है। अगर आप नो क्लिक करेंगे तो आपकी जानकारी अपडेट नहीं होगी, तो आपको येस क्लिक करना है। अब यहाँ पे हमारी अपडेशन की सारी प्रोसेस कंप्लीट हो गई है। अब जब आपका वेरिफिकेशन हो जाएगा उसके बाद इस चीज़ को होने में 1 मंथ का मैक्सिमम समय लगेगा, ये चीज़ें जल्दी भी हो सकती हैं। अभी आप ओपन करके देखेंगे तो आपको आपके व्हीकल की पुरानी डिटेल ही दिखाई देगी। और अब एक चीज़, यहाँ पे आप अपडेट में क्लिक नहीं करेंगे नहीं तो आपकी सारी जानकारियाँ इरेज हो जाएंगी। इसके बाद आपके रजिस्टर्ड मोबाइल में मैसेज आ जाएगी भी आपकी सारी जानकारियाँ अपडेट हो गई हैं।
उसके बाद आप UPI पेमेंट से रिचार्ज करवा पाओगे, क्योंकि भाई इसका फायदा ये है कि आपको बैंक को एक्स्ट्रा चार्ज पे नहीं करना पड़ेगा। फास्टैग से और भी रिलेटेड अगर आपके क्वेश्चंस हैं तो आप Q&A वीडियो में क्लिक करके देख सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, आई होप आपकी हेल्प हुई होगी, तो भाई लाइक कर देना, अगर आपके अभी भी कोई कमेंट या सुझाव हो और क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर पूछना, और अगर आप इस चैनल पर न्यू है तो हमें सपोर्ट करिए इस चैनल में, सब्सक्राइब बटन को क्लिक करके बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि ऐसे ही टैक्स एंड फैक्ट से रिलेटेड कुछ वीडियोस आपसे कहीं मिस ना हो जाएं। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।